गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस चुनावी समर में हम अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, हमारे कैंडिडेट्स गोपाल सिंह जी, हरिबाबू राय जी, यादवेंद्र सिंह जी, बैजनाथ यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और बहुत सारे जो यहां मुझे युवा दिख रहे हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले, कन्याकुमारी से बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला, लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया, एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। दो तीन सवाल मेरे दिमाग में थे, मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। जहां भी मैं गया, किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो, काम नहीं है, बेरोजगार हूं, क्या पढ़े, इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग मैंने की, डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल पढ़ाई की, आज क्या कर रहे हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, चुप हो जाते थे, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और फिर कहते थे, नहीं राहुल जी बेरोजगार है। तो मेरे दिल में, दिमाग में यह सवाल उठा कि इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं, इसका कारण क्या है। पहले मैंने सोचा था जब मैं निकला, मीडिया को आप देखो तो लगता है कि देश
कि लोग नफरत से भरे हुए हैं, मगर जब मैं निकला नफरत मुझे कहीं नहीं मिली, सिर्फ मोहब्बत, आदर, रिस्पेक्ट, प्यार मिला। मैंने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने, और अच्छा एक और बात, जब मैं युवाओं से मिलता था, बेरोजगार युवाओं से मिलता था, तो मैं उनसे सवाल पूछता था, भाई आपकी जात क्या है? पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा या नहीं, दो तीन दिन पहले उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। सुना होगा आपने, एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला, और जब मैं उनसे पूछता था भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है, अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए, सही या गलत? 50% भागीदारी होनी चाहिए। अगर आदिवासी 14-15-16% है तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा पता लगाने की कोशिश की, यहां जो ओबीसी वर्ग के युवा हैं, आप सब ने एक दिन सपना देखा होगा, दलित आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने सपना देखा होगा कि भाई मैं एक दिन आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। सपना देखा, देखा ना, ये देखो हाथ उठा रहे हैं। हर युवा कहता है मैं आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी, एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा, 90 अफसर। बजट में वायु सेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा, 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा, 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे, कितना पैसा जाएगा, 90 अफसर। सारा का सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से
ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाइयों और बहनों आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, देखो किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं उसमें ओबीसी कितने किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है। मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 90 में से 3 अफसर निर्णय ले रहे हैं और ओबीसी वर्ग सिर्फ बजट के 5% पर निर्णय ले रहा है, तो आप मुझे समझा दो कि ओबीसी वर्ग के शिक्षा के पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे? आप मुझे समझा दो ओबीसी वर्ग का कि प्रगति कैसे होगी। जो देश को चला रहे हैं उसमें आपका एक आदमी नहीं है। अच्छा ओबीसी की बात की, आदिवासियों की बात करता हूं। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, आदिवासी वर्ग के अफसर सिर्फ 0.1% डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हुआ तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही मुझे यह बात समझ आई, मैंने इलाज निकाला। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला कदम यह है कि इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, यह हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने का तरीका जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा कि भैया इस देश में ओबीसी इतने, दलित इतने, आदिवासी इतने, और फिर सब वर्ग को सरकार चलाने में भागीदारी मिल सकेगी। ओबीसी युवा आज भटकता है सड़क पर, बेरोजगार मिलता है। इसका कारण कि सरकार को चलाने में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। अगर आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहां बेरोजगार नहीं दिखाई देते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने निर्णय लिया कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है उसे हम छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन की नींव बनाएंगे, और हमने 2-3 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा।
और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने कर दिया। दूसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों को, वहां धान ज्यादा उगता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो पहले 2500 था, आज छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता है। अब बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उसके बाद हमने कहा कि जो मजदूर खेत में काम करता है उसको हम 7000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेंगे और आज वो 10000 रुपए का हो गया है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने किसानों के जेब में पैसा डाला, मजदूरों के जेब में पैसा डाला, उनको सही दाम दिया जो यहां पे आपको मिल नहीं रहा है, आपको गेहूं के लिए, सब्जी के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिल रहा, तो आप सब कर्ज में हो, कर्ज लेते हो, फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। आप छत्तीसगढ़ में पूछिए आत्महत्या कितने किसान कर रहे हैं, आपको मिलेंगे नहीं। मैं किसानों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ आपके खेत का दाम क्या है। मैं हैरान हो गया, किसान मुझे कहता मुझे दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें अपने खेत का दाम नहीं मालूम? कहता नहीं मालूम। मैंने कहा क्यों? कहता मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा इस खेत को, बेचने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसा आ रहा है, कर्ज नहीं है, खेत को नहीं बेचूंगा, खेत को नहीं बेचूंगा, मुझे दाम क्या है उससे क्या लेना देना। तो किसानों को हमने उनकी जिंदगी बदल दी छत्तीसगढ़ में। हुआ क्या, किसान और मजदूर ने अपना पैसा खर्च किया। अच्छा, किसान और मजदूर पैसा कहां खर्च करेंगे, गांव में करेंगे, शहरों में करेंगे? तो सीधा का सीधा पैसा किसान के जेब से, मजदूर की जेब से छोटे दुकानदार की जेब में गया और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गांव में और शहरों में चालू हो गई। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है, किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाइयों और बहनों अच्छी तरह सुनिए, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा, जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए, क्या होगा, तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया?
16 कंपनी में, मैंने पता लगाया 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, आपके जेब में से पैसा गया? और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है, टेलीफोन करते हो कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते तुम्हारा, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और दो तीन चार लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे, आपने कभी सोचा? ये अदानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे, जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए, ये लो। आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है, और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है, डायरेक्ट। तो दो सरकारें चल सकती हैं, एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है, और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। किसानों को आपने पैसा दिया, मजदूरों को आपने पैसा दिया, वो गांव में उसको खर्च करेगा, शहर में उसको खर्च करेगा, छोटे दुकानदार को फायदा होगा। आपने अदानी जी को पैसा दिया, अमेरिका में खर्च करेगा, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसा दिया, यहां थोड़ी खर्च करेगा, वो जाके दुबई में खरीदेगा माल, बड़ा बड़ा सा घर खरीदेगा, आपका पैसा यहां से दुबई पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला कदम, अगर बेरोजगारी से लड़ना है, सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसको मैं एक्सरे कहता हूं। मैं एक्सरे कहता हूं कि भैया देखो, किसी को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है, हम कहते हैं या भैया चोट लग गई, जाओ पता लगाओ, अस्पताल जाओ, पता लगाओ हड्डी टूटी या नहीं। व्यक्ति अस्पताल जाता है, एक्सरे लेता है, डॉक्टर कहता है हां भैया हड्डी टूटी हुई है। अब हमें सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को जबरदस्त दर्द हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो अब सवाल यह है, भैया दर्द क्यों हो रहा है?
एक्सरे जाति जनगणना, जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50% 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है, मैं बेरोजगार क्यों हूं। अब जब मैं ये बात उठाता हूं नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से, कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना कर दीजिए, ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी कितने, आदिवासियों को बता दीजिए आदिवासी कितने, दलितों को बता दीजिए दलित कितने, फिर वो जो 90 अफसर की बात है उसको ठीक करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया जात तो है ही नहीं, ओबीसी जात तो है ही नहीं, अपने आप को ओबीसी कहते हैं मगर फिर कहते हैं जब जाति जनगणना की बात आती है कहते हैं भैया जात तो एक ही है, गरीब है हिंदुस्तान में। और मैं जहां कन्याकुमारी से कश्मीर गया मुझे गरीब में कौन दिख रहा है, ओबीसी दलित आदिवासी, तो ये आपके सामने सच्चाई है। हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं हम करेंगे क्या। सबसे पहले जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को प्रदेश की नींव बनाई, वो हम यहां पे आपके लिए कर डालेंगे। मतलब किसान को, मजदूर को प्रोटेक्शन होगी, सही रेट मिलेगा, कर्जा माफ की जरूरत होगी तो कर्जा माफ हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब तक किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तब तक छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा, और जब तक छोटा बिजनेस वाला मजबूत नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। पूरा का पूरा कनेक्टेड है। आपने मध्य प्रदेश में किसान और मजदूर को मजबूत कर दिया, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी मजबूत हो जाएगा और उसके बाद एकदम रोजगार पैदा हो जाएगा। तो हम पहला काम किसान के लिए करेंगे, 27 लाख किसानों के लिए हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए 100 यूनिट बिजली 100 रुपए के दे के लिए देने जा रहे हैं। हमने यह वायदा किया था और हमने यह वायदा पूरा कर डाला। पहले दिन हमारी कैबिनेट में हमने यह वायदा आपको पूरा करके दिखा दिया और यही हम फिर से करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए माफ किए हैं। 14 लाख करोड़ रुपए। और जब हम उनसे कहते हैं कर्जा माफ कीजिए किसानों का, वो कहते हैं नहीं करेंगे। तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार यहां किसानों के लिए माफ करने जा रही है। जो हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किया वहां पर सही रेट मिलता है धान के लिए, यहां पर हम 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के लिए मध्य प्रदेश के किसान को गारंटी करके देंगे। और यह 2600 तक नहीं रुकेगा, यह आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा, 3000 तक बढ़ेगा, 3000 से भी आगे चला जाएगा। जैसे आपकी जरूरत बढ़ेगी वैसे इसका रेट बढ़ेगा। हम मध्य प्रदेश के किसान को गारंटी करेंगे 2500 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा। जैसे ही यह काम होगा वैसे आपके गांव में, आपके छोटे छोटे कस्बों में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। आप छत्तीसगढ़ जाओ,
राजस्थान जाओ, कर्नाटक जाओ और पूछो, राजस्थान में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम है। वहां पे आपको कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो जाए, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, फ्री में आपका वहां पे ऑपरेशन होगा, होता है राजस्थान के लोगों का। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको समझाया कि हमने किसानों को प्रदेश की नींव, प्रदेश का फाउंडेशन बना दिया। कर्नाटक में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सोशल सिस्टम, गरीबों की रक्षा करने का सिस्टम, हर महीने 2000 रुपए महिलाओं को। कर्नाटक में कर्नाटक की महिलाएं, सुनिए मजे की बात सुनिए, कर्नाटक में कर्नाटक की महिलाएं बस में मुफ्त में घूमती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता पूरे प्रदेश में। बीजेपी गैस सिलेंडर कितना का देती है? 1200 का देती है ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। आसान सी बात है भैया, देखो ये जो 600 रुपए है, सुनिए बात सुनिए, ये जो 600 रुपए है, आप क्या सोचते हो 600 रुपए कहां जा रहा है? हम आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, हम आपको 500 रुपए का दे रहे हैं, वो आपको 1100 का देते हैं, तो 600 कहां जाएंगे आपको मालूम है? 600 रुपए उनके कहां जाते हैं आपको मालूम है? उनके उद्योगपति दोस्त के जेब में जाते हैं। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की मदद नहीं करती, मनरेगा हम लाए, भोजन का अधिकार हम लाए, जमीन अधिकरण बिल हम लाए, पैसा कानून हम लाए। मुझे आप बता दो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में? एक योजना दे दो मुझे, एक योजना जो नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए की। जीएसटी गरीबों की है क्या? नोटबंदी गरीबों की है क्या? किसान बिल गरीबों के है क्या? 14 लाख करोड़ रुपए गरीबों के लिए माफ किए क्या? अच्छा, एक नई चीज निकाली है, यहां पे हमारे आदिवासी भाई हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आप जानते हो हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन का पहला और असली मालिक, आदिवासी का यह मतलब है। वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं, शब्द के अंदर बहुत छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि जमीन आपकी, पहले आप थे, बाद में दूसरे लोग आए, मतलब जमीन का हक आपको मिलना चाहिए, मतलब पैसा कानून होना चाहिए, मतलब जमीन का अधिकार होना चाहिए, जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। वो कहते नहीं, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो। भाइयों और बहनों, आपने बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं, वो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, आप जंगल में रहो, जल उनका, जमीन उनकी, जंगल उनका। आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे भैया जंगल खत्म हो गया, चलो
सड़कों में जाके भीख मांगो। हम कहते नहीं, आदिवासी हो, पहले मालिक हो, आपके बच्चे जो सपना देखना चाहते हैं वो सपना हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं यहां जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं, नहीं मजे की बात सुनो, सबके सब ओबीसी युवा जो यहां हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखो। आप एक काम करो, किसी भी बीजेपी के नेता के पास चले जाओ, वो जो है क्या नाम है उसका जो वीडियो आया जिसका जो तोमर, वो जो वीडियो पे मतलब करोड़ों रुपए की बात कर रहा है, तोमर जी का लड़का भ्रष्ट, किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो भैया एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? अंग्रेजी में, तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले, और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए, मना नहीं कर रहा हूं, जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें, तो अंग्रेजी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में, हाई क्वालिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है छत्तीसगढ़ में, सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाती है प्राइवेट स्कूल से। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था, देखिए चुनाव है, कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है, मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? तो मैं आपसे जो कहता हूं कर डालता हूं, और मैंने यात्रा में मन बना लिया है, 4000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है, मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा, और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी होगी होगी। धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शन के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिशुपाल रघुवंशी जी, कृष्णपाल सिंह जी यादव जिलाध्यक्ष जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ मिलकर मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनकी बात को रखने के लिए। यादवेंद्र सिंह जी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद और आभार प्रदर्शन के लिए यादवेंद्र सिंह जी यादव।
आज की इस चुनावी सभा को सभा में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय श्री राहुल गांधी जी एवं अशोकनगर जिले के गांव-गांव से पधारे हुए मेरे जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनें, आप लोग इस चिलचिलाती हुई धूप में माननीय राहुल गांधी जी को सुनने आए, अपना कीमती समय के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत नई सराय में।